Welcome back to our channel, De English World. Today I am going to explain to you another poem of 10 CBC that is a tiger in the zoo. Through this poem, the poet Leslie Norris has made an attempt to shape the wildlife and their natural habitat. He has talked about the contrasting views of the tiger. He has talked about the state of a tiger in the zoo and the state of a tiger in the forest. In this particular poem, he has given a vivid description of the tiger. Today. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन सच वे सो दैट देर वोंट भी एनी कन्फ्यूजन ऑफ दिस पोयम आज मैं इसके लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन को बताऊंगा और इसमें जो लेटरी डिवाइस है उसे भी मैं क्लियरली मैं बताने की कोशिश करूंगा नाउ लेटर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉय तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या कहते हैं इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा पॉइंट कहते हैं ही स्टॉक्स इन इज विविट स्ट्राइब्स ही स्टैंड फॉर द टाइगर स्टॉक्स मीन्स मूव्स क्वाइटली इन अ प्राउड मैनर विबिट का मतलब हो गया ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइब्स जो बाघ के ऊपर जो शरीर में जो धारियाँ बनी होती है क्वाइट कहते हैं ही मूव्स क्वाइटली इन द केज और उसके शरीर पर जो निशान बना हुआ है वो ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स वो दूर से देखा जा सकता है वही तो किसी बाघ की पहचान होती है द फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केस अपने पिंजड़े में वो कुछ ही स्टेप्स आगे जा सकता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है अब कहते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके जो पैड्स हैं द बॉटम पार्ट ऑफ द लेग ऑफ ए टाइगर इज वेरी शॉर्ट लाइक ए वेलवेट इसीलिए वो कहते हैं कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज तो जब वो मूव करता है पिंजड़े के अंदर मूव करता है तो किसी तरह का आवाज़ नहीं होता इसलिए मैंने कहा ही मूव्स क्वाइटली बट इन ए प्राउड मैनर नाउ रेज मीन्स एंगर एक्सट्रीम एंगर देर मे बी ए क्वेश्चन हियर व्ट मेक्स अ टाइगर टू बी एंग्री वेल देर इज ऑलवीज रीजन दैट इफ यू पुट द एनिमल्स लाइक टाइगर इन ए केस देर हैज टू बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड इट अगर किसी जानवर को शेर जैसे जानवर को अगर आप पिछड़े में कैद कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत गुस्से में होगा और यहाँ पे वही हो रहा है इन इज क्वाइट रेज रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर लेट सी इन द एंगल लेटस पॉइंट क्या कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो लर्किंग मीन्स हाइडिंग पॉइंट कहते हैं कि, कि किसी किसी टाइगर को छाईदार जगह में छिपा होना चाहिए हाइडिंग करना चाहिए स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास और लंबे लंबे घासों के बीच से उसे चुपके से गुजरना चाहिए स्लाइडिंग मीन मूविंग स्टिल थिली नियर द वाटर होल ठीक पानी के सतह में पानी के सतह के सामने नियर द वाटर सोर्स वेद द प्लम डियर पास क्योंकि उन्हें पता है दिस इज वेर द प्लम डियर पास प्लम मीन्स फैट डियर प्लम मीन्स फैट्स तो जहाँ से फैट डियर गुजरते हैं उसे वहीं उसका इंतजार करना चाहिए अपने शिकार का इंतजार करते रहना चाहिए जंगलों में तो दिस इज हाउ एक्सप्लेन यू दिस टू स्टेंजा नाउ लेटे सी द लिटरी डिवाइस यूज इन दिस टू स्टैंडिया तो सबसे पहले मैं राइम स्कीम की बात करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्ट्राइप्स केस क्वाइट रेस वट यू सी हेयर दीज टू वर्ड्स आर मैचिंग केज रेस तो ये हो गया आपका ए बी एंड देन सी बी सो दिस इज हाउ राइम स्कीम इज ए बी सी बी अब देखिए पर्सनिफिकेशन ही स्टैंड फोर द टाइगर वेन यू ट्रीट समथिंग एज अ ह्यूमन बींग

तो इसे आप बोलते हैं मेटाफर तो पॉइंट ने यहाँ पे मेटाफर भी यूज किया है पैट्स ऑफ वेलवेट नाउ लेट गो एंड टेक लुक एट रिपीटेशन रिपीटेशन क्या है यहाँ पे तो क्वाइट वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेस यू कैन सी हेयर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड क्वाइट विच इज वाई आई रिपीटेशन रिटर्न एंड देन एलिटरेशन एलिटरेशन कहाँ पे है स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स It is alliteration when the first letter of the word or its sound is repeated in the same line. What do we call it? It is called alliteration. This is how I explain you these two stanza and the literary device as well. Now let us go ahead and take a look at the explanation, the further explanation of the poem. Let us see the explanation given by the poet in the very third stanza. A poet says in the third stanza, he should be snarling around the houses. Snarling means roaring. किसी बाघ को जंगल में एट द जंगल एज देखिए ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज किसी जंगल के किनारे जो गांव बसे होते हैं वहां पे अपनी दहाड़ लगानी चाहिए घाटते रहना चाहिए ऑलवेज ही शुड ट्राई टू मेक हिज प्रेजेंस फिल अपनी उपस्थिति बतानी चाहिए बैरिंग हिज वाइट फैंक्स एंड हिज क्लॉज बैरिंग मीन स्विंग फैंक्स मीन्स टेथ उसे अपने शो so करनी चाहिए उसे अपने दांत को दिखाते रहना चाहिए और पंजों को दिखाते रहना चाहिए और उसे दिखा के गाँव वाले लोग जो वहाँ से गुजरते हैं उसे अपनी उपस्थिति बतानी चाहिए येस आई एम हेयर आई एम इन द फॉरेस्ट टेरराइजिंग द विलेज मीन्स टेरीफाइंग द विलेज टेरीफाइंग द विलेज पीपल दिस इज़ नॉट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए टाइगर अ टाइगर इज़ ए फेरोशियस एनिमल ऑलवेज ट्राई टू टेरीफाई अदर्स तो वही पॉइंट कहते हैं कि किसी जंगल के किनारे बैठ के उसे अपने वाइट फैंक्स दांत दिखाते रहना चाहिए एंड यू नो हिज क्लॉज पंजे दिखाना चाहिए और इस तरह से दिखा के लोगों को डराना चाहिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं पॉइंट बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल पर वैसा वो कर नहीं सकता क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर बंद है ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल वो किसी सीमेंट और छड़ से बने सेल के अंदर बंद है पिंजड़े के अंदर बंद है ही इज़ अ स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स उसकी सारी ताकत जो है ना वो लोहे के छड़ के पीछे है उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जो किसी कैदी की स्थिति होती है जो जब वो जेल के अंदर बंद होता है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केस स्टॉकिंग इन्स मूविंग क्वाइटली इन ए प्राउड मैनर तो जितना लंबा केस है उतना ही वो मूव कर पाता है इन ए लिमिटेड एरिया इन ए लिमिटेड स्पेस इग्नोरिंग द विजिटर्स वो विजिटर्स को हमेशा इग्नोर करता है जैसे कि फर्दर इरीटेशन टाइगर को और नहीं हो

एट द ब्रिलियंट स्टार्स ही स्टैंड फॉर द टाइगर जैसे मैंने पहले बताया ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट और जब रात होता है तो ये टाइगर को पेट्रोलिंग कार्स के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है ये पेट्रोलिंग कार्स में कौन हो सकते हैं इनफैक्ट जू के अधिकारी होते हैं जू के गार्ड्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल सो एज टू इंश्योर देर एनिमल्स कि उनके जानवर सुरक्षित हैं तो उनके आने की आवाज़ टाइगर को सुनाई पड़ती है और फिर क्या होता है एंड स्टेयर्स विद इज ब्रिलियट आइज स्टेयर्स का मतलब टेक्स ए हार्ड लुक एक टक होके देखते रहना तो टाइगर क्या करता है अपने चमकीले आंखों से विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स बस आकाश की तरफ जो चमकीले तारे हैं उसे निहारता रहता है देखता रहता है शायद वो यही सोचता हुआ कि उसे इस पिंजड़े से कब आज़ादी मिलेगी सो दिस इज हाउ एक्सप्लेन द पॉइंट एंड हैव लेटे लुक एट द लिटरेरी डिवाइस तो यहाँ पे राइम स्कीम ए बी सी बी आप देख सकते हैं नाइट कार्स आइज स्टार्स कार्स एंड स्टार्स आर मैचिंग वंस दिस इज ए दिस वन इज़ बी सपोज एंड देन अगेन सी ये बी तो ए बी सी बी ये मैंने लिखा है यहाँ पर अब इसके बाद रिपीटेशन है आप देखिए यह ब्रिलियंट वर्ड को रिपीट किया गया है इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन में सो वेन द सेम वर्ड इज रिपीटेड इन द टू कन्जिक्यूटिव लाइन आप रिपीटेशन इसे कहेंगे सो दिस इज हाउ एक् एक्सप्लेन यू द पॉइम एंड द लिटरेरी डिवाइस एज वेल आई एम वेरी श्योर यू मस्ट एव इन्जॉय द वीडियो इफ दर इज एनी थिंग लेटिंग टू दिस प्लीज़ कमेंट डाउन Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel Dike English World thank you so much